हमारे YouTube चैनल हंग्री बर्ड्स में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं हंग्री बर्ड्स का द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड चैलेंज, यानी कि मेकिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम। हुआ क्या था वो तो बताओ। तो बर्डीज, हम सबको एक बजट मिला था, तो हर एक को मिला था 15,000 का बजट। सबके कहे 15,000 थे उमेश के पास, तो टोटल बजट था 60,000 रुपए। और ये बजट हमें मिला था कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए। ये सामान हमने कहीं इम्पोर्ट किया है, कहीं से मंगवाया है, और ये सारी चीजें हम कहाँ यूज करेंगे? आइसक्रीम में। और कस्टमाइज भी किया हमने, स्पेशल शेफ से बनवा के लिए। इतना बड़बड़ कर रहे हो, चलो ना बनाना चालू करते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सामान मैं लाया हूँ, रखने का बाउल। अरे एक मिनट, लेकिन आइसक्रीम कहाँ है? आइसक्रीम टोटल आप कर रहे हैं ना, कितना होगा आपके साथ? 6,000 समथिंग तो होगा ही। चलो तो अभी एक एक करके ये चलो ओपन करने का भी यहाँ पे पैकिंग, ये पैकिंग देखो, ये देखो। ओह माय गॉड, तो हमारे आइसक्रीम्स तो खोल दिए। आइसक्रीम डाले इसके अंदर, सबसे पहले बड़ा वाला डालते हैं, बड़ी डाले, सब छोटी वाली चलो डालते। इतना बड़ा आइस बाउल और फ्लोर है। इस बाउल का प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 हो गया। बाउल कितने का था? बाउल 3,000 और ये 7,000 के आसपास का। एक्चुअली आइसक्रीम बहुत एमेजिंग है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मजा आ गया। तो एक काम करते हैं, फटाफट ये सब हटाते हैं और आगे का चीज चालू करते हैं। तो आइसक्रीम तो लग गई है, बाप रे ये मेल्ट हो रही है। तो बर्डीज, ये सारी चॉकलेट्स ना मैंने खास बनवा के लिए, तो आप देख सकते हो ये चॉकलेट्स आपको ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे। तो एक एक चॉकलेट 500 रुपए का, मतलब ये 500, क्योंकि ये स्पेशली शेफ ने बनवाया है, जो चॉकलेट स्पेशल है। 2000 का एक बॉक्स है, तो ये भी 2000 का एक बॉक्स, यस। और ये जो है ना डार्क चॉकलेट, जो खास बेल्जियम से मंगवाया, तो सुबह बेल्जियम में लेते। एक्सक्यूज मी, 300 रुपए का एक बार है ये। अरे चिट्ठे से डेयरी मिल लेके आती, उनको पता भी नहीं चलता। और क्या? और ये जो मैक्रोन्स है ना, ये भी मैंने उस शेफ से मंगवाया है, तो इसकी प्राइस है 450 रुपीज। ये क्या है? और ये भी है गोल्डन प्लेटेड हेजलनट। अच्छा, इसका भाव कितना है? सस्ते है। कितने? 3,400। 3,400। और ये क्या? ये तो सच में सस्ते ही है। ये 1600 रुपए के। ये तो वेफर वॉफर है, ये तो नॉर्मल है। ओ, इसके अंदर तो कैरेमल है। कैरेमल, एक्चुअली ये कैरेमल। तो मेरे चॉकलेट्स मुझे लगता है अराउंड 11,000-12,000 की, तो ये चॉकलेट्स ही है। चलो डालना स्टार्ट कर दे हमारे। पहले मैं ये डालता हूँ, टिक यहाँ पे, एक स्टिक गया, एक यहाँ पे गया। तो मेरा बजट तो खत्म हो गया। संकेत, तू क्या लेके आया? तो मैंने अपना सामान लाया है, जो ऑलमोस्ट सारा सामान एक्सोटिक है। बता ये क्या है? ये जो बेरीज है, ओ माय गॉड, ये इंग्लैंड से मंगवाई है मैंने। देखा ये 4,600 का एक डब्बा था। इतना सा डब्बा, 100 रुपए की बेरी खा गया ये। और उसके बाद
आपने सुना है ट्रफल के, ट्रफल पेस्ट्री, डच ट्रफल, ये है ट्रफल 1400 का, इतना सा है ट्रफल। पर इसमें अमेज़न क्यों लिखा है? अमेज़न से मंगाया, आप यहाँ से देख सकते हो, ये इटली का है, इटली मेड इन इटली। ये आपने सुना होगा वेनिला केक है, वेनिला आइसक्रीम है, अगरबत्ती, वेनिला की अगरबत्ती, ऐसे दिखती है। ओह अच्छा, मतलब जो एसेंस निकाला जाता है वो यार इससे। और ये वेनिला मादागास्कर की वेनिला है, ये कितने का था पता है? कितने का? 1400 का है। कुछ भी? अरे और क्या, ये तो और क्या? ये है मिक्स बेरी, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बेल्जियम से, एक नेदरलैंड से है। ये भी है 1400 रुपए की बेरी। नहीं वो तो मुझे पता है, ये बेरीज एक्चुअली। और ये लास्ट, ये एप्पल, एप्पल, वाओ। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा एप्पल है, बट ये इतना बड़ा, ये पीच है जो इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस है। पीच कितने का आता है? अरे वो तो 100 रुपए का भी था, आधा किलो वगैरह। 1000 का है क्या? कुछ भी, कुछ भी। अरे यूएसए का, इसका स्मेल लेके देखो। ऐसा स्मेल कभी लिया तुमने? अभी ये चीजें हमें इसके अंदर डालनी है। चलो आ जाओ, आ जाओ, ओके ओके, चल चल, वो बेरीज मुझे दे दे। बेरीज ले, बेरीज दे रहा मैं, वनीला रे रहा हूँ। लगो लगो, बोलती है वनीला, उसका एसेंस है ना, ऐसे करके ही डालना पड़ता है। ये होता है एसेंस। यस यस, परफेक्ट, ये होता है वनीला का एसेंस। आओ, ये ट्रफल है, ये है ट्रफल, ये इसके ऐसे छोटे डाल दिए इसके अंदर, और ये हमारी आइसक्रीम गिरने वाली ऐसे लग रहा है। संकेत जो चीजें लाया ना, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। अरे की चीज है, कब से सजाने में लगा है? खत्म कर दे, ये बेरी डाल दिए इसके अंदर, बेरी डाल दो, ये कर दे, और अब हमको लगता है हमें ये प्लेट बदल देनी चाहिए। हां बेरी डाल दो। ओ वो डॉक्टर है ना ये, हाँ इसलिए मैंने बाबा वाली बॉटल्स लाई है। अच्छा, आपको मालूम है उमेश की बहन जर्मनी में रहती है, तो जर्मनी में ऐसी ना सिरप की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है? तो ये मैंने स्पेशली दीदी से, जर्मनी से मंगवाया है इंडिया में। ये है स्ट्रॉबेरी क्रश, जो कि है 5500 रुपए का। ये है चॉकलेट सिरप, जो है इतना काला चॉकलेट सिरप मैं कभी नहीं देखा। ये डार्क चॉकलेट सिरप, ये नॉर्मल चॉकलेट सिरप नहीं है, ये 3500 का सिर्फ सिरप है, इतना सा। और ये क्या है? और ये है कैरमल सिरप, यू नो, जो है 2500 रुपए। पूरे कैरमल लगा देते हैं। हाँ, तुम लोग कैरमल डालो। कैरमल सिरप, गो। अब डालते चॉकलेट सिरप, संभाल के। हाँ बाप रे, जर्मन रिटर्न है वो सॉस, जर्मनी वाला। प्रीति अभी तो स्ट्रॉबेरी क्रश डाल। बट इसको एंड करने के लिए मैं और चीजें लाया। तो ये है मेरा पहला सरप्राइज, विच इज योर गोल्ड के फ्लेक्स है। ये 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स है। ओह माय गॉड, यस, एडिबल है ये, खास है। इसका सोना खा के देखते हैं। ये देखना, ये नॉर्मल अपने जो गोल्ड फ्लेक्स रहते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा चमकी वाला है। ये थोड़ा इसके ऊपर लगा देते हैं। माय गॉड, थोड़ा नहीं, तूने बहुत डाला है। तो ये एडिबल थोड़े सस्ते रहते हैं, ये 2500 के। ये वो कह रहा है, मैं बता दूं, ये गोल्ड फ्लेक्स मेरे बॉडी पे उड़ते हैं। सोने का हो गया, सोने का हो गया, सोने का भी डाल हमारी सोने की। ये फाइनल चीज है, आप मानो या ना मानो, बट दिस इज अ गोल्ड रिंग। ये गोल्ड वायर है जो हमने अपने जो फाइनल पैसे बचे थे उसमें से खरीदी है। ये कितने की? 2.2 ग्राम्स की कुछ है, 3 के आसपास की, 10,000 रुपए की ये वायर है। 10,000, 10,500, ये ऊपर इसको क्राउन क्राउन क्राउन। तो फाइनली हमारी आइसक्रीम 60,000 की आइसक्रीम सच बोलती हूँ, अगर कोई आइसक्रीम ऐसे 60,000 की बेचने जाए ना, कोई लेगा ही लेगा। 10,000 की तो नीचे मेल्ट हो पड़ी है। तो अभी ना बहुत हो गया बड़बड़, अब नाउ लेट्स टेस्ट दिस आइसक्रीम, स्वाद वाला इसका। 60,000, चलो बाप रे।
अगर हम चम्मच में एक बाइट लेते हैं वो कितने हजार का होगा? पता नहीं यार एक्चुअली ना कितने हजार का होगा सोचा नहीं अभी सोचो मत अभी टेस्ट करो सोचो मत टेस्ट तो करो कहाँ से डालो चम्मच ये सोना लेते हैं अक्षता पहले सोना था दे मेरा बाइट तो सबसे एक्सपेंसिव है किसी के पास सोना है कि वो कौन सा फ्लेवर नहीं है सब फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है इसमें अरे मुझे तो शायद वाओ 60,000 की आइसक्रीम नहीं लगता लाइफ में एक्चुअली मुझे पहले लगा था कि अक्षता ने जो क्रश रहा है वो नॉर्मली होगा लेकिन उसका टेस्ट सच में मस्त है ना और मैं आइसक्रीम के साथ खुद ही लाया हुआ पीच खाता हूँ सोना खाओ सोना वाओ यार वाओ अब हम टेस्ट करेंगे हमारी टीम को चलो आकाश बोल सोना खाएगा सोना रहते इतनी बड़ी बाइट माय गॉड दाढ़ी को मत खिला आपने कैसा है क्या टेस्ट है यम ना चलो पागल हो गया ऑसम वाह हो गया तुम्हारा खाके इधर ही रुकने वाले हैं खत्म करके तो बर्डीज आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे वीडियो और बनाए जैसे एक्सपेंसिव पिज्जा या फिर बर्गर उसके लिए पहले आप हमें चंदा दो चंदा दो हमें तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे ढेर सारे लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ये आइसक्रीम जितनी महंगी है उतने ही अफोर्डेबल हमारे टी शर्ट से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है जाके स्टोर को विजिट करना और हमारे जैसे मस्त मस्त वाले कलरफुल टी शर्ट ले लेना yes! तो जो हमारा दूसरा चैनल है हंग्री बर्ड इनसाइड वहां पे भी हमारा एक बहुत ही कूल व्लॉग आ चुका है जाके उसे भी देखना तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। भैया ये पैकिंग क्या है? होय हे इन लोग क्या चल रहा है? ये उमेश या बहुत बिटर बहुत क्या है मीठा ही होगा ना सॉस तो मीठे ही होते हैं आप देना उमेश की सिस्टर को ऑर्डर मेरी बहन मेरी बहन लेती है सिर्फ 5,000 की चीज हम 10,000 में देंगे अबे 450 गिर गया 450 गिर गया 500 हमें क्रिकेट खेलने संगे तू बॉल डाल इधर मैंने पकड़ा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फोर इस सॉस का नाम है जर्मन शेफर्ड उमेश वो तो डॉग की ब्रीड होती है चल देखिए वाओ ओह वो सच में ऐसे ही लगता है एकदम वहां से जीनी बाहर आएगा जीनी ओ ऐसे अरे ये क्या पहले बोलती मैं अपनी केमिस्ट्री टीचर को बोलता हूँ तो बहुत ऐसी